नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कफ स्लीव्स बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। दोस्तों कफ स्लीव्स जो होती है 3 से 3.5 इंच या 4 इंच की बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने ये देखो जो तैयार आएगी ये हमारी 3.5 की आएगी, आधा इंच ऊपर मार्जिन कहा जाता है, 3.5 की यहाँ पे हमारी स्लीव्स तैयार आएगी। मैंने यहाँ पे 2 स्लीव्स बनाई हुई है, एक में तो हमने यहाँ पे लेस लगाई है, आप लेस की जगह पाइपिंग भी लगा सकते हो, इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में इसको रेडी कर सकते हो। दूसरी स्लीव में हमने सिंपल रखी है, और इस स्लीव का मेन चीज क्या होती है, जो कफ स्लीव होती है उसमें अंदर भी सेम कपड़ा होना चाहिए, जैसे हमारा ऊपर की साइड हो ऐसे ही हमारा अंदर की साइड। और इसमें इस साइड में आपको यहाँ पे तुरपाई वगैरह नहीं करनी होती, अगर हम यहाँ पे इस पे पट्टी लगा के तुरपाई करते हैं तो पूरी प्रॉपर हमारी फिनिशिंग नहीं आती और वो तुरपाई हमेशा खुल जाती है, 1-2 बार 4 बार पहनने के बाद वो यहाँ से खुल जाएगी, क्योंकि ये छोटी स्लीव होती है, ये पूरी फिट स्लीव बोली जाती है, ये फिटिंग में ही बनाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी कटिंग सीखेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, कैसे हम कटिंग करते हैं और कैसे स्टिचिंग की जाती है। तो दोस्तों जो आपने स्लीव्स देखी है उसे कटिंग करने के लिए हमने बहुत ही आसान तरीका यहाँ पे आपको समझाना है। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे ये कपड़ा है हमारे पास, जितनी भी लेंथ आपने रखनी होती है, कप स्लीव्स की जो लेंथ रखी जाती है 3, 3.5 या 4 इंच से ज्यादा नहीं रखी जाती, तो हमने यहाँ पे उसके लिए ऐसे कपड़ा सेट करना है और फिर इसको डबल ऐसे कर लेना है। ये हमने यहाँ पे डबल कर लिया है। डबल करने के बाद ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे ऐसे, और जैसे हमने 3 या 3.5 इंच की लेंथ रखनी है तो हम यहाँ पे 4 इंच का एक निशान लगा लेंगे ऐसे, इस तरीके से। अब हम इन दोनों निशानों को आगे तक बढ़ा लेंगे, ये हमने निशान आगे तक बढ़ा लिए हैं। अब जितना भी हमें आर्मोल रखना होता है यहाँ पे, जैसे हमें आर्मोल रखना है 7.5 इंच या 8 इंच, तो हम एक निशान ऐसे लगाएं, और यहाँ पे हमें जो शेप डालनी है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डालनी होगी, इस पॉइंट पे हम इसको मिला देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम जब यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से हमें यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का एक निशान लगा लेना है ऐसे, और यहां से इस पॉइंट से यहाँ पे ये 3.5 इंच का निशान लगाएंगे 3.5 का, और इस निशान से यहाँ पे शेप डाल देंगे कुछ इस प्रकार की ऐसे। तो ये शेप होगी हमारी कप स्लीव वाली, और यहाँ पे ये जो भी साइज होगा ओपनिंग का उतना यहाँ पे साइज रखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। ये तरीका होता है कप स्लीव कटिंग करने का। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे, और एक चीज का ध्यान रखें, इसमें आपने कोई भी गहराई वगैरह नहीं देनी होती, बिल्कुल नॉर्मल कटिंग करनी होती है। अब हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखेंगे और ऐसे कटिंग कर लेंगे, आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हो जाती है कप स्लीव्स। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, इस तरीके से ये गोलाई में आएगी ऐसे, दोनों स्लीव्स हमने यहाँ पे ऐसे कटिंग कर ली है। अब इनको बनाने का तरीका सीखते हैं, बनाया कैसे जाता है। हमें सेम इसी साइज के 2 स्लीव्स और कटिंग करनी है, तो यहाँ पे हम इनको ऐसे डबल कर लेंगे दोनों को, और फिर से कपड़ा लेंगे, ये कपड़ा हमारा ऐसे ही फोल्ड होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे रखते हुए ऊपर की साइड यहाँ पे स्लीव्स रखेंगे इस तरीके से, और बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने 2 स्लीव्स और कटिंग कर ली है, ये हमारी अंदर की साइड के लिए है, मेन आएगी हमारी ये वाली, और अंदर की साइड जो नीचे की साइड आएगी वो नीचे वाली आएगी। इसमें क्या होता है, जब हमारी छोटी स्लीव्स होती हैं, अगर हम इनको सिंगल तैयार करेंगे तो अंदर जो लाइट कलर होता है, जैसे लाइट कलर है ये नजर आएगा, अगर हम ऊपर नीचे सेम कलर रखेंगे तो हमारा अंदर और बाहर का प्रॉपर सेम कलर नजर आएगा, जो कि छोटी बाजू में अंदर का कपड़ा नजर आता है वो नहीं आएगा। तो मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने 2 स्लीव्स कटिंग की है और उनका अंदर की साइड के लिए भी कपड़ा हमने कटिंग कर लिया है। तो
तो एक स्लीव्स मैं तैयार करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे लेस के साथ, और एक सिंपल तरीके से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सिंपल तरीके वाली रेडी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, एक बाजू ये है, दूसरा जो हमारी मेन है वो हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। ऐसे ऐसे रखते हुए हमने यहाँ पे इस साइड में जितना हमने मार्जिन लिया है उस हिसाब से आधा इंच का या एक पैर का निशान लगाए सिलाई लगाएंगे। ऐसी सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे कट लगाने हैं। पूरी बाजू में इसी तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये हमने कट लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे होती है गोलाई। अगर हम इस तरीके से कट लगाएंगे तो बाजू की शेप हमारी अच्छी आएगी। अब हमें इसको ओपन कर लेना है। ऐसे ओपन करने के बाद चाहे तो आप इसको सिलाई से सेट कर ले, ऐसे सिलाई लगा ले, और चाहे आप इसमें प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किनारी की सिलाई लगा लेता हूँ। हमने किनारे की यहां पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको डबल ऐसे कर लेंगे इस तरीके से और प्रेस से कर लेंगे अच्छे से सेट। तो ये देखिए दोस्तों, हमने प्रेस से बाजू को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम यहां पे ऊपर की साइड में एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा आपको नजर आता है यहाँ पे, इसको सही कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये हमने यहाँ पे स्लीव्स रेडी कर लिए। अब जितना भी हमारा नाप होता है ओपनिंग का, तो यहाँ पे हम इस तरीके से उतना ही साइज यहाँ पे रखेंगे। जैसे हमने 13 रखना है या 14 रखना है उतना यहाँ पे नाप लें, और जो आर्म होलत है उसके हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये कप स्लीव्स हो जाएगी रेडी, जो कि बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। कप स्लीव्स में क्या होता है, अंदर से हल्का फुल्का कई बार नजर आ जाता है, तो अगर हम सेम यहाँ पे कलर रखेंगे, जैसे मैंने डबल बाजू बनाई है, तो इसकी शेप बिल्कुल प्रॉपर आएगी, इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। 3 इंच की बाजू, 3.5 इंच की या 4 इंच की अगर आपको कटिंग करनी हो तो ध्यान रखें इस तरीके से ही कटिंग करें। अब आ जाती है बात जिसमें हमें पाइपिंग या लेस लगानी है, उस बाजू को कैसे रेडी करें। यहां पे भी हम डबल बाजू ही लेंगे ऊपर नीचे के लिए, और यहां पे ये जो लेस है हमारी ये ऐसे रखते हुए इसको अटैच कर देंगे।
अब हमने दूसरी स्लीव्स यहाँ पे इस तरीके से रखनी है ऐसे, और यहाँ पे सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे भी हल्के हल्के कट लगा लेने हैं, जैसे हमने पहले बाजू में लगाए थे इसी तरीके से यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। तो कट हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हम इसको भी इस तरीके से ओपन करेंगे और इसमें भी एक साइड में सिलाई लगा लेंगे। जो आपकी साइड नीचे की साइड रखनी हो आपने उस साइड में सिलाई लगानी होती है, ये ध्यान रखें। ऐसे इसको अच्छे से सेट करेंगे और ऐसे खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहां पे भी इसको प्रेस से अच्छे से कर लेना है सेट। तो ये देखिए दोस्तों, हमने स्लीव्स में यहाँ पे प्रेस से अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे भी हमें एक पैर की सिलाई लगानी है ऊपर की साइड। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है इस तरीके से। अब हमें यहां पे भी जो हमारा साइज है वो यहां पे साइज रखते हुए ऐसे बाजू को कर लेना है कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने ये वाली बाजू भी कर ली है यहाँ पे रेडी। तो जो सीधी साइड आएगी यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सी आएगी। इसमें भी आपको अंदर की साइड मतलब व्हाइट कपड़ा नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने सेम कलर यहाँ पे यूज किया है और फिनिशिंग आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी फिनिशिंग है। तो दोनों बाजू हमने दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से रेडी करके दिखाई है, किस तरीके से आप यहाँ पे पाइपिंग वाली या लेस वाली रेडी कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पे विदाउट पाइपिंग वाली यहाँ पे रेडी कर सकते हो। तो दोनों स्लीव्स हमने यहाँ पे कर दी हैं रेडी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।